औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बरवक़्त टीवी के प्रोग्राम रूबरू के साथ आपका मेज़बान सैयद नवीद हैदर हाशमी हाज़िर ख़िदमत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी खुशकिस्मती है दो नामवर शख्सियात मौजूद हैं। एक का ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी से है और दूसरे जो साहिब हैं वो दानश्वर हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं। और मैं बाकायदा तारुफ़, क्योंकि मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, लिहाजा एक अपने बारे में वो ख़ुद बताएंगे, लेकिन आज एक मुख्तसर वन लाइनर जो इंट्रोडक्शन है वो मैं कराना ज़रूरी समझता हूँ। जब्बार बलोच साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप मुंतज़िम आला हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा के। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल मतीन अखुंदज़ादा साहब। आप दानश्वर हैं, अदीब हैं और कन्वीनर हैं कोयटा डेवलपमेंट महाज QDM के। आपको भी खुश आमदीद, आप हमारे प्रोग्राम रूबरू में तशरीफ़ लाए। बिला ताखीर हम बात शुरू करते हैं जवाहर साहब से। जवाहर साहब, आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की हैसियत से आपने कोयटा में और बलूचिस्तान के दीगर अज़ला में बड़ा काम किया है, बहसीयत डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और अभी आपको मेट्रोपॉलिटन कोयटा की जो मुंतज़िम आला की सीट है वो आपको दी गई है, और ज़ाहिर है चीफ़ मिनिस्टर साहब की रजामंदी से आपको यहाँ पे लाया गया है। तो इंशाल्लाह बात फिर अभी ये मानसून की जो बारिशें हैं इस हवाले से भी करेंगे, सफाई सुथराई के हवाले से भी करेंगे, फ्यूचर प्लान के हवाले से भी करेंगे। ऐसे सिर्फ चंद मिनट में, कोई एक आध मिनट में ज़रा बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी का सफ़र कैसे शुरू किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, 2009 का हमारा बैच है। खुशकिस्मती से इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा हैं वो भी मेरे बैचमेट हैं, माशाल्लाह, और मैं यहाँ हूँ, हम दोनों इकट्ठे हैं, एक दूसरे के दस्तोबाजू हैं, माशाल्लाह, तो जबरदस्त। वो हमारा हाथ बटाते हैं, हम उनका हाथ बटाते हैं। वैसे होना तो ये चाहिए था कि दो बाजू इधर इकट्ठे बैठते, दो बाजू इकट्ठे होते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चले ऐसा करें कि इंशाल्लाह इसको जो है ना दो बाजू फिर हम कभी बिठाएंगे। जी बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू। आप हुक्म करते तो हम उन्हें भी ले आते, आपने हमें बुलाया, हम हाजिर हो गए। नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह आप दोनों को फिर एक बार बिठाएंगे ज़रूर। जी जी, अच्छा साहब, मैं मुख्तलिफ अज़ला में एज़ ए असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सर्विस का आगाज़ किया। मैं नसीराबाद में, डेरा बुगटी में, लोरलाई में, बड़े हार्ड और टफ एरियाज हैं, जहाँ 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 मुश्किल पड़ी थी वहाँ वहाँ मैं पहुँचाता उन दिनों में, माशाल्लाह। 2010 का जब सैलाब आया नसीराबाद में तो मैं नसीराबाद का एसी था। अच्छा, माशाल्लाह। 2012 का जब सैलाब आया नसीराबाद में बड़ा, तब फिर मैं नसीराबाद का एसी था। 2013 के जब इलेक्शन हो रहे थे, बड़े मुश्किल हालात थे, आपके यकीनन इल्म में होगा, तब मैं डेरा बुगटी में था। जब लोरलाई के हालात कुछ ख़राब हो गए थे 2014 के टाइम में, तो तब मैं वहाँ पे था। अल्लाह अकबर। तो मेरा मुश्किल आफात और ये जो चीज़ें हैं, सैलाब है, बारिशें हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ, मेरा ख्याल है दोनों साथ 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 चलो, अपनी लेगेसी चलाते आ रहे हैं। हाँ हाँ जी, आपके बेटर फ्यूचर के लिए हम दुआगो हैं कि माशाल्लाह आप डिप्टी कमिश्नर से फिर कमिश्नर जाएं और फिर सेक्रेटरी जाएं, जो माशाल्लाह अभी आपकी इब्तदा बता रही है कि इंतहा बहुत अच्छी होगी। तो अभी हम बकायदा आपके जो आपसे मुतलका जो सवाल है, कोयटा बड़ा, यानी आप देखें कि ये एक वादी हुआ करता था, 50,000 लोगों के लिए बनाया गया शहर जो कभी लिटिल पेरिस के नाम से मशहूर था, तो आज इसकी आबादी कोई 30-35 लाख के करीब हो चुकी है और यकीनन फैला भी हुआ है, फैल भी काफ़ी गया है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे और भी दोस्त यहां पे रहे हैं, तो हम देखते आए हैं माजी में भी कि ये बड़ा मुश्किल और बड़ा टफ सा ये महकमा है। तो CM साहब आपको इस वजह से लाए हैं कि आप आफात और मुश्किलात का मुकाबला करते हैं, तो ये भी संभालो भाई आगे। शायद that was one of the reasons. Okay. कोई ख़ास फार्मूला है आपके पास? कोई आप मेहनत करें, आपकी नीयत साफ़ हो, आप काम का जज्बा रखते हो,
तो फिर मंजिल आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अभी ईद के दिन थे, एक सैलाब की सी सिचुएशन भी कुछ दिनों के लिए आई, तो मैं और मेरी टीम, हमें 24 घंटों में 2.5 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा सोने का मौका नहीं मिलता था, और हम कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे बस में है, जिस किस्म के हालात हैं, हम उससे निबर्द आजमा हूँ, खुश असलूबी से हूँ। ईद ऑपरेशन के नाम से वाकई हमने भी अखबारात में भी देखा और सोशल मीडिया पे भी देखा कि माशाल्लाह आपने भी सीटें चढ़ाई हुई हैं और डीसी साहब ने भी, और आपने बड़ा कामयाबी से उसको आपने हैंडल किया, टैकल किया। तो क्या था जहन में, कैसे हैंडल किया? लोग तो वही हैं पुराने। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं शाह साहब। असल में हम इसी शहर में पैदा हुए, इसी शहर में पले बड़े, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजिशन पर नहीं होते तब तक पर्सपेक्टिव अलहदा होता है। आप कह रहे होते हैं कि ये काम ऐसे भी हो सकता था, ऐसे बड़ी आसानी से हो सकता था, ऐसे काम क्यों नहीं हो रहा, ये शायद नाअहली है अरबाब इख्तियार की, वो कर नहीं पा रहे हैं, वरना डिलीवर करना बड़ा आसान, ये बड़ा बाहर बैठ के तो ये बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप उस हॉट सीट के ऊपर खुद आके बैठते हैं तो तब अंदाज़ा होता है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो जब मैंने चार्ज संभाला कोई एक डेढ़ महीना, मैक्सिमम डेढ़ महीना ही जो है मुझे होता है, तो वो पहले कुछ बारिशें हो गई शुरू के दिनों में ही, फिर ईद आ गया। ईद बजाते खुद एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इवेंट भी है हमारे लिए, तो एक चैलेंज होता है, चैलेंज है सफाई सुथराई के वाले से भी और दीगर और भी। मैं और मेरे अमले ने ये 3 दिन ईद के हमने अपनी फैमिलीज नहीं देखी। हम सुबह 8:30-9 बजे आके फील्ड में खड़े होते थे, तो रात के 12-1-2 बज जाते थे, तब घर जब जाते थे तो सब लोग सोए हुए मिलते थे, सुबह जब निकलते थे तो भी लोग सोए हुए ही तो छोड़ के निकलते थे। अगर सिला अल्लाह नहीं देगा तो फिर एग्जैक्टली मैं उस रब करीम का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि हमने जो मेहनत की उस मेहनत को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, हमें सिविल सोसाइटी से हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया। 100% तो देखिए कामयाबी तो आदमी दावा नहीं कर सकता, जो हमारी बसात थी या आप हमारे टाइम को पिछले उसके साथ कुछ उनके साथ अगर आप कंपेयर करके देखें तो आप खुद जो है बाखबर शख्सियत है। ऐसे नहीं, आपको देखें जी, हमारे रमजान भाई हमारे एक दोस्त हैं जिनके तवस्सुत से जो है वो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम फिर भी देखते रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और अखबारात में भी कि आपका जो काम है, और ये जो अभी आपने बात की कि लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को दिल जीतना मैं समझता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है। एक और आप जैसी जो शख्सियात हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हमने 2-2 घंटे हमें सोना नसीब होता है, हमने अपने बच्चे 2-2-3 दिन से नहीं देखे, तो ये फिर शाबाशी भी बंदा मांगता है, बकअप भी करना होता है कि नहीं भी शाबाश वेल्डन, ये एक वेल्डन और एक ऐसे कर देना मैं समझता हूँ कि आपका जिगरा बढ़ा देता है, ऐसे ही है। बिल्कुल खून बढ़ जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपसे कहूँगा, मैं अपनी टीम को तो खुद भी जो है कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो उनको अप्रिशिएट करूँ जब वो अच्छा काम करें, माशाल्लाह माशरे की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिलती है तो यकीनन अच्छा लगता है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल रहा हूँ कि वो जिसे कहते हैं कि ना माल गनीमत ना किश्वर कशाई तो मतलूब व मकसूद मोमिन जो है वो माल गनीमत और किश्वर कशाई नहीं होता। तो हमने ज़ाती तौर पे बहुत कोशिश की कि ये ईद का जो ऑपरेशन हो जो था वो सक्सेसफुल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे। कुछ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो आपके साथ आगे मैं तफसील से जो है डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि कोई अमला अंदाजन कितना है आपके पास मेट्रोपॉलिटन के पास? देखिए यूँ तो लगभग कोई 1800 समथिंग हमारा टोटल अमला बनता है। तो 1800 फिर कैसे संभाल लेगा ऐसे इतने बड़े शहर को? मुश्किल पड़ती है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मतलब मैनेज कर लेते हैं आप? मुश्किल से अब मैनेजेबल फिगर भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सिर्फ सैनिटेशन में हमें कुछ 6,000 लोगों की ज़रूरत है, जो आबादी हमारे यहाँ पे है। बिल्कुल सही कहा। जो इस वक्त मेरे पास अमला है, मतलब
दुनिया का स्टैंडर्ड यही है कि एटलीस्ट 700 लोगों पे एक स्वीपर होना चाहिए, एटलीस्ट स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल है। मतलब मेरा अगर आप रेशो निकालेंगे मेट्रोपॉलिटन का, तो यहाँ 5000 लोगों के ऊपर जो है वो एक स्वीपर बनता है। और इस वक्त हमारे पास कचरा उठाने के लिए 100 से कम गाड़ियां हैं जो पूरे शहर का कचरा उठाना, पूरे शहर का कचरा उठाने, मतलब तो कम है, बाकी आपस की बात है, जुल्म है, वैसे जुल्म है, आपस की बात है। टू बी प्रिसाइज 97 गाड़ियां हैं। अगर आप एक्चुअल आबादी लें शहर की, जो कि तकरीबन 35 लाख के लगभग है, जैसे कहा जाता है, तो हर 35,000 लोगों पे एक गाड़ी बनती है। तो ये मुश्किलात तो यकीनन कुछ हैं, लेकिन हैविंग सेड दिस, कुछ एफिशिएंसी की भी हमें ज़रूरत है। कहीं कहीं मतलब ये एफिशिएंसी की भी कमी जो है रह जाती है। तो जब से मैं आया हूँ तो हमने कोशिश ये की है कि एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन की तरफ से एफिशिएंसी में कमी नहीं हो, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं में रहते हुए विद इन द रिसोर्सेज जो मैक्सिमम काम हो सकता है उन लिमिट्स में वो मैक्सिमम काम किया जाए। मतलब अब सिर्फ इस आसरे पे कहें कि जी नहीं हो सकता तो फिर तो काम नहीं बढ़ेगा आगे, लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए हमने कोशिश की कि स्पेशली जो हार्ट ऑफ द सिटी है पिछले अदवार में, यानी मुख्तलिफ वजूहात रही हैं, मैं किसी को दोष तो उसका नहीं दूंगा कि किसी की किसी वजह से जो है वो हुआ सही, मुख्तलिफ उसमें हमने इस दफ़ा ये कोशिश की फॉर द फर्स्ट टाइम गालिबन कि जितनी गाड़ियाँ थी हमने वो सारी गाड़ियाँ इस ईद ऑपरेशन में जो है हमने ऑन रोड कर दी, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ थी चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ थी। हमने टैरिफ्री से भी गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ मीज़ान चौक पे जमा की, उनको एक सेंटर पॉइंट पे जमा करके हमने ये 3 दिन ईद ऑपरेशन हमने मीज़ान चौक से ऑपरेट किया, ताकि लोगों के निगाह में रहे, वो देखें कि गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां जबरदस्त जो है अपने गैरेजेस में खड़ी हैं। अच्छा, एक तो ये होगी कि आपका ईद ऑपरेशन माशाल्लाह सक्सेसफुल, इसमें तो कोई शक नहीं, हमने भी सुना, आपने भी बता दिया। मानसून की जो रेन्स थी ये स्पेल आया, ये भी माशाल्लाह अभी जारी है या क्या? कोई देखिए, जो इनिशियली मानसून का जो पहला स्पेल था उसमें नुकसान भी हुआ, कुछ कीमती जानें भी ज़ाया हुई, पानी सड़कों पे निकल आया, मतलब आपने भी देखा, हमने भी देखा, मैं खुद आपने तस्वीर में भी देखा होगा, मैं था डीसी साहब से, हम दोनों जो है खुद जाके खड़े हो गए, मतलब खुद पानी में उतरे, अपने अमले को ले आए, हमने उसमें कोशिश ये की कि मतलब कहीं पानी इस वजह से ना रुके कि कोई गटर चौक है, हमने खुद अपनी निगरानी में जो है पानी के बहाव, वी मेड इट श्योर कि मतलब पानी बहता रहे। यही वजह थी कि मतलब गो ज़्यादा पानी था, काफ़ी जगहों पे जो है नुकसान भी हो गया, लेकिन आप एक्नॉलेज करेंगे इस बात को कि पानी विद इन 1.5 आवर जो है वो सड़कें, जो मेन शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अक्सर जो मज़ाफात कह रही है, मज़ाफ़ तो ज़ाहिर है, जो नशे भी इलाके थे उनका तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो शहर जहाँ पे पानी खड़ा होने का इम्कान ज़्यादा था या माजी में ज़्यादा रहता था, वो तमाम इलाके हमने 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पानी उसका बहाव जो है ना वो उसका बहाव हमने जारी रखा, इंश्योर किया, तो पानी सारा निकल गया। ये तो पहला उसका स्पेल था। तो हमने कुछ उससे लेसन लर्न्स लिए कि फ्लॉ कहाँ कहाँ पे थे, कि क्या मसले थे। तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को, वज़ीर आला साहब के, अपने मिनिस्टर साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के, सेक्रेटरी साहब के, इनकी गोशगुजार किया कि जनाब इस वक्त कोई 14 बड़े नाले हैं जो कि इरिगेशन के पास हैं, जैसे सिटी नाला है, स्यामारी नाला कहलाते हैं, सरयाब नाला है, बड़े बड़े नाले हैं, ये इरिगेशन इनको देखता है। हमारे पास 34 नाले हैं मेट्रोपॉलिटन के पास, ओके, पूरे शहर शहर में, ओके। तो हमने फिर उनसे गुजारिश की कि जनाब अब चूँकि प्रिडिक्शन थी भी और अब भी है कि कुछ बारिशें शायद और भी मुतवक्के हैं, तो हमने उनसे गुजारिश की कि जनाब कुछ बॉटल नेक्स हैं जहाँ पे पानी खड़े होने का एहतमाल होता है, तो उन बॉटल नेक्स को जो है वो क्लियर किया जाए। 34 जो है नाले हैं
जो कि 70 किलोमीटर से ज़्यादा उनकी लेंथ बनती है, वो ऑफ कोर्स दो चार दिन में जो है उनको सारे को फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है हेड टू टो करना वो तो मुश्किल है। तो हमने कोशिश की कि जी उनको जो है जो उनके बॉटल नेक्स हैं उनको विद इन फ्यू डेज क्लियर किया जाए। तो इस मकसद के लिए वज़ीर आला साहब वाज काइंड इनफ, उन्होंने कोई 70 मिलियन के ग्रांट का जो है हमारे लिए ऐलान किया। अच्छा कि जी आप फौरी तौर पे जो है उन बॉटल नेक्स को जो है क्लियर करने का काम शुरू करें। हमने पिछले कोई 5-6 दिन में 27 के लगभग पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 90-95% जो है उनको हमने क्लियर कर लिया। बकिया जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम वो पॉइंट्स भी क्लियर कर लेंगे। ये पॉइंट्स जो बड़े बड़े हमने पहले मरहले में जो क्लियर किए उसकी एक छोटी सी मिसाल मतलब आपको ये दूंगा, कल भी बड़ी बारिशें हुई, कुछ कीमती जाने तक ज़ाया हो गई पेरिफेरी में, लेकिन आपने शहर के बीच में पानी कहीं नहीं पानी बिल्कुल इसमें। तो हालांकि एक चेंज हमने देखी या फील किया कि बारिशें हुई लेकिन पानी बहुत कम नज़र आया स्पेशली शहर को। तो वो उसकी वजह ये थी कि हमने पहले ही मरहले में जूं ही हमने इस काम में हाथ डाला तो हमने सबसे पहले शहर के जो बॉटल नेक्स थे हमने वो क्लियर किए। हमने जो पश्तूनाबाद की तरफ से पानी का एक बड़ा बहाव होता है हमने पश्तूनाबाद की तरफ से भी उसको शुरू कर दिया कि वहाँ पे भी पानी ना रुके, क्योंकि पिछले स्पेल में पश्तूनाबाद में काफ़ी नुकसान हो गया था उसकी वजह से। और हमने जो यहाँ के थे बॉटल नेक्स जो जैसे इमदाद चौक है, जैसे साइंस कॉलेज के करीब है, जैसे मक्सी चौक है, इन चौक्स के ऊपर तो घुटनों पानी अक्सर जो है ना खड़ा होता था, तो हमने उनको पूरी तरह, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इतने शॉर्ट टाइम में ये तो शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन जिस कदर मुमकिन था हमने इनको क्लियर किया। और ये कल के स्पेल से वाजे हुआ कि वाकई मतलब इनको ज़रूरत थी। पानी का काफ़ी बहाव आया ऊपर से और वो बगैर कोई मसला पैदा किए शहर के अंदर से जो है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जवाहर साहब, बहुत माशाल्लाह बहुत कम वक्त में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन के लिए भी वो आश्कारा हुई और उनकी समझ में आई, और स्पेशली ये जो फैक्ट एंड फिगर आपने बताए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जनाब मतीन साहब, बैसीयत शहरी क्वेटा के शहरी के बलूचिस्तान के शहरी के, और आप माशाल्लाह आपकी जो ज़ोर शोर से जो आपकी तबलीग और आपका ये काम क्वेटा डेवलपमेंट महाज के नाम से QDM के नाम से, तो मैं वो भी हम भी देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे भी अखबारात में भी माशाल्लाह आप छाए हुए हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जवाहर साहब ने ये बताया कि कुछ जानों का कीमती जानें भी गईं, तो क्या आपको ये लगता है कि वो जाने बचाने का पहले से इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए था? पहले आप बात करेंगे फिर जवाहर साहब की तरफ आएंगे। शुक्रिया आशमी साहब। मैं अपने तौर पे जो इस वक्त दुनिया में म्यूनिसिपल्स के सर्विसेज का स्टाइल है, ये जो तरक्याती अप्रोच है जी, बदकिस्मती से अभी हम उस पर नहीं आ रहे हैं। जवाहर साहब ने जिस तरह तफसील से बात की, ज़ाहिर है कि इन्हें अब महीना डेढ़ हुआ है तो हम तो वेलकम ही कहेंगे, जाहिर है। और ये बात ठीक है कि डिप्टी कमिश्नर भी नौजवान है, दोस्त है हमारे जवाहर साहब भी, और ये खुद ज़ाहिर है कि यही हो सकता है ना कि आप पानी के अंदर खुद खड़े रहें, ये बहरहाल हिम्मत है। जी जी। मुझे इसका अफसोस भी है कि कमिश्नर समेत हमारे ब्यूरोक्रेट में से कोई और फर नहीं किया, कोई भी सेक्रेटरी से कोई निकल गया, किसी और चौक पे कोई वजीर भी नजर नहीं आया। क्वेटा के सेक्रेटरीट वालों का तो शायद नहीं बनता, लेकिन कमिश्नर साहब का शायद। हम इसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं कि क्वेटा के ओनरशिप जब तक सूबाई सेक्रेटरीज नहीं लेंगे, सारे MPAs नहीं लेंगे, तो क्वेटा जबार बलोच साहब और शेख बलोच साहब ठीक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए क्वेटा इनसे आप पूछ ले कि इनके पास कितने वसाइल कितने लोगों के लिए मिलते हैं, तो वो 8-10 लाख की है और आबादी 35 लाख तक चली गई है। तो सारे बलोचिस्तान के MPAs अगर आते हैं, सारे बलोचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आती है, सारे बलोचिस्तान के बिजनेसमैन आते हैं, आम आदमी भी ज़्यादा क्वेटा आता है, उसे ऑन करना चाहिए। जब तक आप क्वेटा की ओनरशिप को नहीं लेंगे तो क्वेटा सेट नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो तरक्याती अप्रोच इस वक्त डेवलपमेंट का चेंज हुआ है उसको हमें इख्तियार करना होगा। ये तो बहरहाल एक इंसान की जान जो है वो कुरान कहता है कि पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। इस वक्त ज़ाहिर है कि हुकूमतें या हमारा शहरी और तमदनी निज़ाम
इसका जिम्मेदार है मैं और आप समेत, ज़ाहिर हम उससे अलग नहीं है, अलग नहीं हम है। अपने आप को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा समझते हैं कि हम सिर्फ यही कहें कि नहीं जी गवर्नमेंट, इसलिए वो जो एक सियासी तनकीद होता है वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे को ख़राब करने के, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। सरयाब में भी ज़ाहिर लोग चले गए हैं, पश्तूनाबाद में 3 बच्चे जो दूसरा लहर था, आज भी जिस तरह बताया ना सुबह एक फर्द चला गया है और 3 अभी तक बच्चे जो है वो लापता है पानी में। तो ये ज़ाहिर है एक जिंदा लोगों के दरमियान, एक इतने बड़े स्ट्रक्चर के दरमियान जहाँ करोड़ों रुपए सालाना बजट जो है उसका इस पूरे आउटपुट इसका क्वेटा है और हमारे सूबे का आयना और चेहरा भी क्वेटा है, क्वेटा है सही। अगर क्वेटा के अंदर भी हम कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरान में कोई काम होगा, चाहे वहाँ से उजराला 2 दफ़ा आ जाए या 10 दफ़ा आ जाए या डेरा बुगटी में या चमन में या मुसखिल में कोई चीज़ होगा। मैं दूसरी बात यह कहता हूँ कि देखिए इन्होंने अभी ज़ेर अलब वो बात की कि इनके पास वसाइल कम है, इनके पास रिसोर्सेज कम है, ये एक हकीकत है कि म्यूनसिपल इदारों के पास इंतज़ामी इख्तियारात भी नहीं है और इनके पास वसाइल भी नहीं है। इनके कारण की तो हम उस वक्त जान छेंगे, ज़ाहिर है कि बतौर इदारा हम तो बतौर इदारा उसको उस पर बात करते हैं। जी 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 बिल्कुल, बतौर फर्द तो एक फ़र्द की अपनी मेहनत है, ठीक है, सही। मैं इस बात का यानी इख्तलाफ और इतफाक़ के बावजूद इनसे वो एग्री करता हूँ कि मेरे उसमें कम अज़ कम ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर है कि जिसका चेहरा बार बार लोगों के सामने आता है। डिस्ट्रिक्ट नाजिम और मेयर तो ये होता है इसलिए कि वो आमी नुमाइंदा है, वो नज़र आता है, ये इनकी अच्छाई है। लेकिन ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट होते हुए इन्होंने ज़ाहिर है खुद उसमें खड़े हुए हैं गंदे पानी में। इस अच्छाई से ज़ाहिर है कि जब तक सिस्टम डेवलप नहीं होगा ये मुमकिन नहीं है कि साल के बाद दोबारा बारिश होगी या साल के अंदर कोई यहाँ हैज़ा आएगा या खुदा न खास्ता कोई जलजला आएगा या कोई तीसरा पांचवा चटा जो भी समाजी इस वक्त आफतें हैं मसाइल है। मैं आज पढ़ रहा था कि 2 सालों के अंदर जर्मनी में 2020 और 21 में 80 अरब यूरो का क्लाइमेट चेंज के नतीजे में नुकसान हुआ है। तो हमारे यहाँ तो शायद क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट इनके साथ पता नहीं ऑनलाइन है या उसे पता भी है कि पहाड़ों के अंदर और शहर के अंदर वादियों के अंदर कितनी तुगयानी आ रही है। जी जी, ये हमारे मजमूई मसला है, यानी ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तो बराह रास्त जिम्मेदारी है लेकिन ये ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट का एक पूरा स्टेक होल्डर जितने भी हैं उसमें आप इनका जो इदारा है शिक है 184 पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की या म्यूनसिपल पूरे एक निज़ाम है, पूरे एक हुकूमती सिस्टम है और इनका तो नाम ही कॉर्पोरेशन है। अभी हम उस पर नहीं आएंगे ना कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास फ्यूचर प्लान क्या है कि उन्होंने क्या टैक्सेस लगाने हैं, क्या इनकम जनरेट करना है, कौन से नए काम करने हैं। सूबाई हुकूमत से हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर आपकी पार्टी आ जाए या मेरी पार्टी आ जाए मैं चाहता हूँ कि सारे इख्तियार मेरे पास हो। जी जी, वसाइल क्वेटा के 9 MP है और जो मखसूस सीट पे वो अलग है, सही। जो बाहर के यहाँ लोग रहते हैं वो अलग है, इसी तरह कोई आधा दर्जन यहाँ से MNAs है, 4-5-6 सेनेटर है, तो ये कोई 2-3 दर्जन लोग है, इनमें से तो कोई नजर नहीं आया पानी में उस जो वोट लेता है, ना कोई वजीर। तो अकेला जबार बलोच क्या करे या शेख बलोच क्या करे, इसलिए ये 2 अफरा और 2 इदारों से भी नहीं हो सकता है। जाहिर है कि मैंने पिछले दिनों एक टेक्निकल ब्रीफिंग ली जिसमें हमें बताया कि क्वेटा में अमलन 8 हुकूमतें हैं, एक इनकी हुकूमत है जो सबसे जवाहर साहब नाराज ना हो, माशाल्लाह खुले दिल से बैठे हुए जवाब देंगे, सबसे लागर सबसे छोटा और सबसे बेबस हुकूमत है। लेकिन ये पब्लिक को जवाब दे, इनका सबसे बड़ा ये है ना, इसमें मैं भी बात कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन 7-6 और भी ऐसी हुकूमतें हैं जो अंदर और बाहर जिनके पास असल इख्तियार है। मैं इसी पे आऊंगा कि हमने इसी एहसास के तहत ये किया है कि जो हमारे सियासी सफ़र है उसमें हम सिर्फ तनकीद करते हैं, हम ये एहसास नहीं करते कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या हेल्थ डिपार्टमेंट को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को असल चैलेंज क्या है, असल मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, उनके पास वसाइल क्या है, उनके पास इख्तियार क्या है, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देर ये तो एक वैसी बात है कि हम देखिए हम नाअहल नहीं है ना, बतौर कौम हम अपने आप को ये थाना नहीं हमें नहीं देना चाहिए कि हम नाअहल कौम है, हमारे पास वसाइल भी मुनासिब है, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन वसाइल का ज़िया एक चैलेंज है। अब देखिए इन्होंने अभी बात की ना 70 मिलियन रुपए आए, वैसे तो सरकार के खाते में 70 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं आई लेकिन सिर्फ एक कंपोनेंट सिर्फ एक इशू के लिए उसका इस्तेमाल मसला है ना, कि अगर आप 7 महीने खामोश रहे डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट का या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का और 7 दिनों में आप 70 मिलियन खर्च करें तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना, ठीक हो गया, कि उसको आप किस मैकेनिज्म के तहत खर्च करें। अच्छा मेरा यानी आपकी तरफ से जो बात आई है फिर मैं बगैर सवाल के अपना जवाहर साहब की तरफ आना बगैर सवाल के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इनकी बातों में सवाल भी पिनहा, यानी आपका कहने का मकसद ये है, मुझे ऐसा लगा जो मैंने फील किया
कि जी जितने भी स्टेक होल्डर हैं बलूचिस्तान के, चाहे वो MPAs हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चाहे अवाम हैं, सब मिलके एक पेज पे आएंगे तो बात बनेगी। इस वक्त हालत ये है कि क्वेटा के MPAs के पैसे लोग बाहर ले जाते हैं। हाँ, जब ये हालत आएगी कि बाहर के MPAs क्वेटा में पैसे लगाएंगे तो क्वेटा का चेहरा ठीक होगा। ठीक हो जाए और हमारे पास एक शहर होगा कि जो हम किसी को दिखा सकेंगे कि हाल उनकी जरूरियात पूरी है, दूसरे शहर की बारी है। जनाब जवाब साहब, बगैर सवाल के, मैं अखुंदजादा साहब से पार्शली जुजवी तौर पे इतफाक करता हूँ। ठीक है, इनसे यकीनन मैं यहाँ इस हद तक तो इनके साथ हूँ कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो कि एक बंदा जो है वो आया है, वो अपने जोर पे कुछ जोर लगा रहा है तो कुछ वक्ती तौर पे बेहतरी दिखाई दे रही है, वो बंदा चला गया तो थिंग्स गो बैक टू स्क्वायर वन। ठीक, वो सही। ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ, सिस्टम ठीक नहीं होगा, सिस्टम को मजबूत ग्राउंड्स पे होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मतलब सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं है, ये मतलब इस बात ये उन्होंने भी कहा, ये उन्होंने भी कहा, इस बात को भी जरा समझने की जरूरत है। वो ये सिविल सोसाइटी इक्वली जिम्मेदार है। ये देखिए, ये कहते हैं कि जी सफाई अच्छी नहीं है, या ये खर्च करने का मैकेनिज्म जो है ठीक ज़िया है, ये ठीक है। मतलब मैं जुज़वी तौर पे इनसे इतफाक भी करता हूँ, लेकिन एक तस्वीर का पहलू ये भी है कि रात को 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमारा खाकरोब रोड साफ करता है, 8 बजे दुकानदार जो है वो दुकान खोलता है और सारी चीज़, सारी चीज़ जो है ना वो ला सड़क के ऊपर डाल देता है। इसको अब हुकूमत क्या करे? सही कह रहे। अब ये जब तक हम, मैं अक्सर जो है ये बात कहता हूँ कि देखिए मेट्रोपॉलिटन जो है वो 100 दफ़ा रोड साफ करे और आवाम 101 दफ़ा जो है कचरा करे, तो एट द एंड ऑफ द डे कचरा ही दिखाई दे। क्या कहने भी बाबा, सही है ये तो इसमें। अच्छा, इंक्रोचमेंट्स की बात है, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि हुकूमत उससे बरी जिम्मा है, इनक्रोचमेंट तो खैर, लेकिन देखिए सिविल सोसाइटी कहाँ सो रही थी, सिविल सोसाइटी कहाँ सो रही है। मेरे पास आज एक जो है बंदा अभी कुछ देर पहले दफ्तर में आया, तो वो एक सीनियर जो है मेरे वहाँ बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, उनसे उन्होंने मेरी शिकायत की कि मैंने इनको जो है वो कहा कि फ़लानी जगह जो है एक बिल्डिंग बन रही है, आप इसको रोकें। तो मैंने कहा मोहतरम, तो आप मेरा जवाब भी तो बताइए ना, आप सिर्फ क्यों कह रहे हैं कि जी मैंने इनसे कहा और इसने काम नहीं किया। कहते नहीं, आपने काम नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि मोहतरम आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं, आप इतनी इखलाकी जुर्रत कीजिए कि आप मुझे रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दें, मैं उस पर जो भी उस पर कार्रवाई होगी करूंगा। आप मुझे कह रहे हैं आप जाओ जड़े खोद दो, तुम देखो उसने जो है ना जड़ों में ठीक सरिया इस्तेमाल नहीं किया, ये हमारे ऊपर इस बिल्डिंग ने आ गिरना है। अब मुझे क्या पता आप किस नियत से जो है ये बात कर रहे हैं, और मैं आपकी किसी जाती अनाथ का, जाती झगड़े का हिस्सा तो सरकार तो ऑफिशियली जाहिर है रिटर्न मांगेगी ना, वो तो अब वो ये जिम्मेदारी, यहां तक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि जी उनके मोहल्ले में एक घर, एक बिल्डिंग गलत बन रही है, तो आप एटलीस्ट इतनी इखलाकी जरूरत तो रखें। आप नाराज़गी और राजी होने के जो है पहलुओं से ज़रा खुद को ऊपर करके तो सोसाइटी के लिए सही कह रहे हैं। यहाँ हम कहते हैं कि जी वो बंदा नाला कब्जा कर रहा है मेरी बला से, मेरा नाला मेरा तो नहीं है भाई, कल जब ये नाला भर जाएगा, पानी क्रॉस नहीं होगा, तो आपका घर भी डूबेगा, आपका घर भी डूबेगा। आप आज उससे पहलू तही कर रहे हैं, चशमपोशी कर रहे हैं, कल इसके नरगे में आप खुद आएंगे, सही कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं आते। आप जब जाएंगे, किसी से बात करेंगे, पूछेंगे, एक नुक्ता उठाएंगे, सरकार सो रही है। ठीक है जी, सरकार की गलती भी मान ली, अपनी भी तो मान लीजिए, ठीक है भाई, सही। मसला असल में शाह साहब ये है कि सोसाइटी बिलउमूम कुछ बीमार सी है, ये सरकार भी इसी सोसाइटी की पैदावार है। सरकार को भी बीमारी लग गई है, सरकार भी इसी सोसाइटी इसी सोसाइटी का इसी सोसाइटी का हिस्सा है। मतलब सही है, हम भी उतने ही हैं जितने के मतलब आप हैं। आप हैं,
सही, आप जितने हैं उतने हम एक ही जिस्म एक ही जिस्म कैसे, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। क्या कह, फ्यूचर प्लानिंग बताएं कोई, क्या आपके अदारे ने क्या अच्छा, क्योंकि वो तो सिलसिला चला रहा है, अभी आप स्पेशली आपको उतारा गया है इधर जो है ना, एक खास वो देखे कि यार वाकई जवाहर बलोच आएगा तो ये चीज़ों को देखेगा, जाहिर है कौन सी गवर्नमेंट चाहती है कि शहर अच्छा ना हो, तो कोई कोई है प्लान बनाया हुआ है? खैर अभी आपने, वैसे तो अभी आपको 1.5 महीने हुए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ होंगे आपके। बिल्कुल आइडियाज़ हैं शाह साहब, हम अखुंदजादा साहब जैसे दानिश्वर और आवाम दोस्त लोगों के तावुन से हम एक प्लान, जामे प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा प्लान और ऐसा सिस्टम जो सस्टेनेबल हो, जो पर्सन स्पेसिफिक ना हो। तो हम एक CMS के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त, मेट्रोपॉलिटन और आवाम में ऐसा कोई जदीद रबते का कोई निज़ाम नहीं है, मतलब सही सही, लोग आते हैं एक एप्लीकेशन लिखते हैं दे देते हैं, वो कभी जो है हुकाम बाला तक वो एप्लीकेशन कभी पहुंच पाती है, कभी नहीं कभी जाती, कभी इधर उधर हो जाती, ठीक, 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 या उसको पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग जाता है कि वो उसका मकसद ही फौत हो जाता है। तो हमने एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम इंशाल्लाह आने वाले लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसको हम करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम होगा जी हाँ, वो एंड्रॉयड भी होगा, iOS भी होगा, मोबाइल फ़ोन में वो ऐप होंगे, वहाँ से वो हमें कंप्लेन जो है तस्वीर लेके वॉइस नोट, हमने उसमें सारे फीचर्स जो है वो डाल दिए हैं कि जो आम आदमी भी उसको इस्तेमाल कर सके, उसको ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। इसी तरह जो है हम अपना पोर्टल जो है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले, उस पर काम चल रहा है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उम्मीद है वो भी तैयार हो जाएगा। हम इसके अलावा क्वेटा की खूबसूरती पे, क्वेटा की इन्वायरमेंट पे, मैं ज़ाती तौर पे जो है इन्वायरमेंट मेरा एक शोबा है पसंद का, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है मेरा। okay. तो हम जब छोटे थे, ये बड़ी एक अलमनाक सी सूरत हाल है, एक अलमिये से कम नहीं है, कि आज से जो 15-20 साल पहले हमारे शहर में जो दरख्त थे आज शायद उससे बहुत कम रह गए, बहुत ही कम रह गए जी, जो इवन जो सड़कों के किनारे पे बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, हम वो भी नहीं संभाल सके। एक तो वो कट गए, फिर उससे बड़ा जो है अलमिया ये हो गया कि उनकी जगह नए नहीं लग सके। तो हम इसमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सिविल सोसाइटी के जो है दोस्तों से लेंगे, एक महकमा जंगलात को भी लें बीच में, बिल्कुल सारे स्टेक होल्डर, महकमा जंगलात है उसमें इन्वायरमेंट वाले हैं, उसमें ज़िले इंतज़ामिया भी जो है शामिल होगी, सिविल सोसाइटी को हमने उसमें शामिल करना है। बसें भी कोई आप लोग चला रहे थे, वो आप लोगों का है? शाह साहब वो हमारा वो नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, वो ट्रांसपोर्ट का है, ठीक हो गया सही। तो किबला बस अभी क्योंकि टाइम भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो अभी आप कुछ लिख रहे थे, फिर मैं दोबारा जब्बार साहब की तरफ आके तो फिर वांडअप करेंगे। तजवीज़ ये करूँगा, जब्बार साहब ने जो फ्यूचर प्लान बताया, देखिए एक तो सीनियर स्टेशन बोर्ड आना चाहिए, सही, जो सीनियर लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हुए हैं या वैसे बिजनेसमैन हैं, आप ऑनबोर्ड करेंगे, शिरकत का एहसास दिलाएंगे तो लोगों को खर्च करना चाहिए, ये उनका ही शहर है, सबका शहर है, और सफाई पे भी, मैनेजमेंट पे भी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को वसाइल भी देने चाहिए। आप अपने मामलात शफाफ रखें लोगों से, दुनिया के अंदर लोग टैक्सेस भी लगाते हैं, लोग अतियात भी लेते हैं, लोग डोनेशंस भी लेते हैं, बदकिस्मती से जो एजुकेशन का और हेल्थ का की सर्विसेज है उसके लिए इतने मोहा डिपार्टमेंट बन गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराबी पर तुल गए हैं ना, इनको ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें वहाँ से भी दरपेश है। अगर हम सिविल अस्पताल को लिए जो क्वेटा के दिल जिना रोड पे वाकई है, उसके अंदर जितना कचरा है वो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैसे साफ करेगा, उसकी बदबू चारों तरफ निकल आती है। इसी तरह मैं तजवीज़ करूँगा कि जो मीडिया है उसको ज़ाहिर है, ये ठीक है कि जब तक लोगों का रवैया तब्दील नहीं होगा, आदतें तब्दील नहीं होंगी, तो आप 100 दफ़ा साफ करेंगे, एक नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा हम लोग मेरा ख्याल शायद उसको उजागर करते हैं। इसी तरह मसाजिद है, मसाजिद हमारा एक बहुत बड़ा ज़रिया है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूथ है, ख़वातीन है, नौजवान है, तलबा है, तालीमी इदारे हैं, खुद लाखों तलबा है शहर के अंदर, तो हम एक्टिविटी दे सकते हैं उसे, अगर क्वेटा का के मास्टर प्लान पर वर्किंग हो और काम तय हो कि इस सोसाइटी ने ये करना है, इस
कैडर के लोगों ने ये करना है, इस कैडर के लोगों ने ये करना है, टेक्निकल बोर्ड बन सकते हैं। ज़ाहिर है सब लोग तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजमत नहीं कर सकते ना, ये सबको मुलाजमत दे सकते हैं ना। इनके पास इस वक्त 1800 है तो ये 2000 हो सकते हैं, ये 3000 हो सकते हैं, जो इनकी ज़रूरत है ये 5-6000 हो सकते हैं। लेकिन इन्हें एक पीछे से 15-20-25000 फोर्स की तो ज़रूरत है। और हमारे यहाँ देखिए, मैं मशहद गया था, मैं वहाँ उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ एक कम्प्लेक्स है इसमें दुनिया भर से 25000 लोगों ने रजाकारना काम किया है पिछले 8 सालों में। ये हमारे साथ ही मिसाल है, मशहद में और क्वेटा में तो कोई फासला नहीं है ना। तो जो काम कंधार में हो सकता है, जो काम पेशावर में हो सकता है, जो काम मशहद में हो सकता है, मशहद में हो सकता है, उसे क्वेटा में फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए। तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल बोला रजाकारों ने किया, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, रजाकारों ने किया। तो अवाम देखें, आपकी ज़िम्मेदारी अपनी जगह, हुकूमत की ज़िम्मेदारी अपनी जगह, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी अपनी जगह। अवाम से क्या तवक्कोआत हैं आपको, जैसा कि इन्होंने बात की है कि जी वो रजाकार, तो रजाकार का मतलब है कि अवाम है ना, अवाम बीच में आई उस वो फिर बाजू बनी। मीडिया की इन्होंने बात की, मैं थोड़ा सा तजवीज़ करता हूँ कि ये थोड़ा सा यानी ऑनलाइन भी कचहरी, अब आजकल नादरा ने शुरू किया ना जी जी, नादरा से सबसे ज़्यादा में शिकायत होती है। अब नादरा का मुख्तलिफ जोन्स के जो ऑफिसर हैं वो हर दूसरे दिन ऑनलाइन आते हैं, और लोगों की अप्रोच है कचहरी पे आ जाएं, अपने पूरी टीम को मुतारिफ कराएं, इसी तरह हेल्पलाइन जो है वो ओपन कर लें। यानी आजकल की दुनिया में कोई मामला को एड्रेस करने की कोई कमी तो नहीं है ना, कमी तो नहीं है। और उसमें फिर आप लोगों से कह सकते हैं कि देखिए हमने ये पॉइंट आपके पास रखे हैं, 5 आपने 1 पे रिस्पांस दिया है, तो आप 3 पे कर लें, 4 पे कर लें, तो हम जिम्मेदार है, आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी ना, लोगों को मुंतकिल हो जाएगी। आप सोसाइटी के मुख्तलिफ लोगों को एड्रेस करें, सही, उसमें पार्टियों को भी करें ना। ये जो हमारी पार्टियां वैसे बैठी है ना ऊपर, जो है वो अपने सारे काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स उनके कब्जे में, सारे वसाइल उनके कब्जे में, और जिम्मेदारी आपकी है, तो आपने भी कोई टेक्निक तो जाहिर है। अच्छा, जो काम आप नहीं कर सकते हैं बतौर एक सरकारी अहदेदार के, वो जाहिर है सिविल सोसाइटी को मुंतकिल करें, हम तो यही काम कर सकते हैं ना। ठीक है, हम अभी वैसे अच्छी तजवीज़ है आपकी, हम क्वेटा डेवलपमेंट महाज भी, मैं आखिरी बात कहता हूँ, हम इस पर डेवलप कर रहे हैं कि हम तमाम सूबाई हल्कों पर क्वेटा में, फिर यूनियन कौंसिल की सतह पर हम कौंसल और जरगे बना रहे हैं। ये इनकी भी मामनत होगी, दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी होगी, जाहिर है थोड़ी बहुत हम जवाब तलबी भी करेंगे, पूछेंगे भी, कहीं तनकीद भी करेंगे, कहीं ग्रेवान भी पकड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा हेल्प भी करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी हम फोर्स देंगे, रजाकार लोग लाएंगे। फजूल बारिश का जो है स्पेल आ गया, हम ज़रा इसमें जो है कुछ लग गए, वरना हमने ये प्लान बनाया हुआ था कि जो 58 वार्ड्स हैं, हम हर वार्ड में जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर खुद जाऊँगा और उनके हवाले करूंगा कि जनाब ये आपका अमला है, इन इस अमले से काम लेना आपकी जिम्मेदारी है, आप लीजिए इनसे, मतलब अब बहुत अच्छी। हमारे पास यकीनन मैकेनिज्म होना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि मैकेनिज्म होना चाहिए, सिस्टम को खुद चलते रहना चाहिए, उसका अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम होना चाहिए। वाह, लेकिन अगर नहीं है उसमें तो ताली दोनों हाथों से बजती है। इसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं, इसमें सिविल सोसाइटी को भी जो है ना हाथ बटाना चाहिए। हमने कुछ इनिशिएटिव्स जो है प्लान किए हैं, हम उसमें चाहेंगे कि ये क्वेटा डेवलपमेंट महाज के दोस्त हमारा उसमें, जनाब आपको उसमें हमारा साथ, उसमें हमारा साथ दें। हमने अभी जवाहर बलोच साहब का बंदा जैसा बंदा मिलना मौके पे आपको कह रहे लो जी, अभी हमने QDM शामिल है हमारे प्लान, बिल्कुल शामिल, बिल्कुल हम इनको ऑन बोर्ड रखेंगे। क्या कहते हैं, मैं इनको आपके फोरम के तवज्जो से दावत देता हूँ कि ये कुछ मोहल्ले आइडेंटिफाई करें जी, जरूर, ये जरूर, कुछ वार्ड्स आइडेंटिफाई करें, हम उन वार्ड्स में इनको बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स देंगे, थैले देंगे, ये वहाँ पे जो है अपने मोहल्ले में उनको तकसीम करें, वो बजाए कचरा जो है उठा के सड़कों पे फेंकने के, गली के नुक्कड़ पे फेंकने के, वो उसमें डाल के घर के बाहर रख दें, हमारी गाड़ी आएगी रोजाना जो है उठा के ले जाए। वाह वाह वाह, ये एग्जांपल सेट करें, हमारे साथ ताबुन करें, बड़ी बात। हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके फोरम के तवज्जो से जो है मैं अखुंदा साहब को कहूंगा, देखें ऑन द गार्ड बात की है उन्होंने, ये देखें ऐसे पहली ऑफर, दूसरी ऑफर, हम एनवायरमेंट के ऊपर जो है बहुत सख्त जरूरत है, हमारे प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बहुत सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। सारी दुनिया में जो है वो कहते हैं कि आप 10 रुपए जो है वो प्रिवेंशन पे खर्च करते हैं तो क्योर पे आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो हमको प्रिवेंशन पे जो है काम करना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। ये बड़े बड़ी सड़कें हैं,
हम इन बड़ी सड़कों से जो है शुरू करना चाह रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसके साथ जो है एक MOU भी साइन किया है कि जी दरख्त हम लगाएंगे, आप उनको संभालेंगे। क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है कि जी शजरकारी है, दरख्त लगाएं जनाब, हमने 2000 दरख्त लगा लिए, हमने 5000 दरख्त लगा लिए। मैंने इस बात से इनकार किया, मैंने कहा मैं एक दरख्त भी ऐसा नहीं लगाऊंगा जिसके अगले 3 साल तक उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसको पानी देने का अगर इंतजाम नहीं है तो ये सिर्फ खानापुरी के लिए, कम अज कम MCQ जो है कोई इस किस्म का दरख्त नहीं लगाएगा जो आप लगा के उसे भूल जाएं, वो फिर कल जो है ना एक जड़ी बूटी की शक्ल अख्तियार करके गरीब वहीं पे जो है ख़त्म हो जाए। हम जहाँ पे भी लगाएंगे हम उसके प्रॉपर केयर का इंतज़ाम कर, माशाल्लाह उसके 3 साल के जो है केयर का, जब वो अपने जड़ों पे खुद खड़ा हो जाए वाह तब ही लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास प्लान है, हम क्वेटा डेवलपमेंट महाज को या इन जैसी और तमाम और जो जितने भी जितने भी जो है अवामी हल्के हैं, हम उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे दरख्त हम लगाएंगे भी हैं, वो भी दरख्त हम लगाएंगे, दरख्त हम लगाएंगे। ओन ए ट्री एक हम शुरू करने जा रहे हैं, आप दरख्त जो है ओन करें, आप दरख्त आप आइए उस दरख्त को संभालिए। तो पूरे क्वेटा को ऑन करने की बात कर रहे हैं, संभालेंगे जी। यहाँ पे 35 लाख लोग हैं, अगर हर बंदा जो है वो डेली 2 दरख्त को भी सिर्फ पानी दे दे तो 70 लाख दरख्त लग सकते हैं। तो हम इस इनिशिएटिव के ऊपर भी काम कर रहे हैं और मैं बड़े खुले दिल के साथ अखुंदजादा साहब और इनकी सारी टीम को ऑफर करता हूँ, आप आइडेंटिफाई कीजिए। मेरे पास मैंने और डोनर्स के साथ भी बात की है जो हमें डोनेट करने को तैयार है कि जी आप दरख्त लगाएं जी, हम और अच्छे दरख्त लगाएंगे, वो दरख्त जो यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, हम वो जो लोकल दरख्त है माहौल को बेहतर कर सकते, जो माहौल को बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जवाहर बलोच साहब, बहुत ही तफसीली गुफ्तगू माशाल्लाह, आपने वाकई लगा कि आप मीडिया टॉक के माहिर हैं। और हमने इस पे वर्किंग की है अभी पिछले 10-15, हमारा भी जिस तरह इनका काम 1.5 महीने का है, हमारा भी पूरा क्वेटा डेवलपमेंट महज 1.5-2 महीने की वर्किंग है माशाल्लाह माशा। अभी हम गए अलमदार रोड मरियाबाद का, हमने विजिट किया है वहाँ के साबिक काउंसलर्स के साथ कि देखिए क्वेटा में एक मॉडल है ना, मॉडल है, उनके यहाँ सफाई है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसमें कम हिस्सा है लेकिन अवामी शऊर का और सोसाइटी को ऑन करने का हिस्सा ज्यादा है। फिर हम वहाँ के काउंसलर को, साबिक काउंसलर को लेके नवाखिली गए, भी हम ही उठाते हैं, नहीं नहीं वो तो है, इस पे कोई शक नहीं, हम नवाखिली गए वहाँ विजिट करवाया, वहाँ कारण मीटिंग की और जो मरियाबाद का अलमदार रोड का तजुर्बा है वो नवाखिलों के सामने बयान किया खुद उनके जबानी कि हम किस तरह डिजाइन करते हैं। अभी हम इनके साथ मिलके कर रहे हैं कि भाई एक बहुत मुश्किल जगह है कि जहाँ, बल्कि हमें वहाँ लोगों ने शिकायत की कि ये कंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दरमियान मसला है, हमने कहा नहीं इस तरह नहीं है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही हिस्सा है अवामी जगह है, कंटोनमेंट बोर्ड के तो अपने लोग हैं। अच्छा कंटोनमेंट बोर्ड के जो अंदर इख्तियारात है और कानून की अमलदारी है वो खुद एक दूसरा मिसाल है, यानी मरियाबाद या अलमदार रोड और हजारा टाउन का अवामी शऊर है, खुद लोगों के अंदर एहसास है, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर कानून तो एक ही है ना, कानून तो एक है लेकिन वहाँ पे शहर में वहाँ कानून सही कह रहे, कानून जिंदा है, सही कह रहे, मजाल है कि वहाँ कोई रोड कानून जिंदा है या शऊर जिंदा है, क्योंकि कैंट में तो कानून जिंदा, देखिए जी कानून भी जिंदा है शऊर भी है, मैं सबसे ये देखिए शोर और शऊर में फर्क है, ऐन का फर्क है और ऐन इल्म है, अगर बंदा इल्म से दूर है उस शऊर से तो फिर आप समझिए कि चाहे कानून जितना मर्जी सख्त हो जाए, जब तक हम अपने आप को खुद नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपना बोझ जो है वो दूसरों के कांधे पे डालने के आदि रहेंगे बात कुछ नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर बलोच साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और इंशाल्लाह अभी आप आते रहेंगे, ठीक है ना जी, और मतीन साहब को आपने ऑफर दी, मतीन साहब इंशाल्लाह खुश होकर जरूर, हम इंशाल्लाह अगले उसमें कारकर्दगी पेश करेंगे ना, इनसे भी पूछेंगे अपना भी पहल करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अभी आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी क्वेटा को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि क्वेटा बलूचिस्तान का फेस है, फेस अच्छा होगा तो जाहिर है फिर सारे लोग उस फेस को देखते हुए, यानी फेस अट्रैक्ट करने का एक ज़रिया है। बात कर रहे थे जवाहर बलोच साहब दरख्तों की और एनवायरनमेंट की, तो मुझे अपना कुछ 4 मिसरे याद आ रहे हैं, इसी पे मैं अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि बिलाशुबा इस क्वेटा शहर को हमने दरख्तों से भरना है और शजरकारी हमने करनी है और पौधे
जैसा कि उन्होंने कहा कि आप एक दरख्त ऑन करें और उसको जवान करना और वो करना, तो उस वक्त तक पता नहीं, लेकिन जब तक इनका बनाया हुआ सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि ये कुछ करके जाएंगे सरकारी मुलाजिम हैं तो फिर कोई और आ जाएगा, वो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो जवाहर बलोच साहब के उस विजन को लेके आगे चले, वो विजन उधर ही स्टॉप हो जाता है, फिर उसकी अपनी चीज़ हो जाती है। होना ये चाहिए कि जो अच्छी चीज़ की बुनियाद बीज बोया है उस बीज को आने वाला पानी दे। मैं चीज़ से इनकारी नहीं हूँ कि दरख्त ना लगाए, वो तो है ही, वो तो एटमोसफेयर है खूबसूरत नज़र आने का, वो तो एक ज़ाहरी आँख उसको देखती है, लेकिन एक बातन की आँख है। ये उस हवाले से दो मिसरे हैं कि शजरकारी ज़मीनों में नहीं अब की दिलों में हो, कभी तो फल मिलेगा, आओ हम पौधे लगाते हैं। और कहाँ हर आदमी के बस में मीरे कारवां होना, कहाँ हर आदमी के बस में मीरे कारवां होना, जिन्हें तौफीक होती है वही रास्ता दिखाते हैं। सैयद नवीद हैदर हाशमी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।